उज थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड इसके बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको ट्रिपल आई टीज में ट्रिपल आई टीज में क्या क्या मिल सकता है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ट्रिपल आई टीज नाम से दो तरह दो तरह के इंस्टीट्यूट हैं फर्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज आर द वंस दिच आर ऑन द पीपीपी मॉडल एंड देन देर आर इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दीज आर मोस्टली प्राइवेट एंड दीज आर इन हैदराबाद और दीज आर ऑल्सो इन बैंगलोर ये भी बहुत अच्छे हैं इनका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाता है बट हम इस वीडियो में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे दैट इफ यू आर स्कोरिंग 96 परसेंटाइल टू 97 परसेंटाइल इन बिटवीन दिस व्हाट ब्रांच कैन यू गेट इन ट्रिपल आईटी सो आवर वर्क वी डू पर्सनालिटी टेस्टिंग एंड दैट इज बेस्ड ऑन कार्ल युंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कार्ल युंग ने यह कहा था कि हम लोग चेक कर सकते हैं जान सकते हैं कि एक स्टूडेंट या एक जना एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है यानी कि वो इमेजिनेटिव है या फैक्चुअल है और वो डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहा है वो लॉजिकल है या फिर फीलिंग बेस्ड इंसान है और इन सब के बेसिस पे एक पर्सनालिटी बनती है देन वी कैन नो इफ इज सिस्टमैटिक और ही इज मोर स्पॉन्टेनियस और ही इज मोर स्पॉन्टेनियस इस पर्सनैलिटी को हम लोग एनालाइज करते हैं देन वी एट दिस

And maybe you will have to change certain aspects of your behavior for these careers. We do university reviews as well, in which we tell you about the faculty, the fees, the student culture, the placement, and also about TA university when it is the right time to take this university, when it should be on your checklist that these are the university I will apply to. So this is career cool. If you want to get a personality test, our fees is described is given in the description box below and we also provide 20 minutes free counseling sessions. So you can know how we work. So let us start with the first first triple IT that is triple IT Nagpur. वन ऑफ द न्यू ट्रिपल आई टीज है इसमें अगर आपको रैंक अगर आपको ई सी लेना है देन द रैंक दैट यू नीड इज थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स ऑल दीज रैंक आर फ्रॉम द सेवेंथ राउंड सेवेंथ राउंड हम लोग स्पॉट राउंड में अभी नहीं जा रहे हैं एंड हम इसलिए स्पॉट राउंड में नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्पॉट राउंड बहुत ही अनसर्टेन राउंड है इन समय देर आर सीट्स एंड जैसे जैसे ट्रिपल आई टी पुराना होता जा रहा है देन देर विल बी नो सीट्स मे बी एट स्पॉट राउंड फॉर एग्जाम्पल आई केन टेल यूट ट्रिपल आई टी लखनऊ जब नया नया था तो स्पॉट राउंड में वो सिक्सटी एट थाउजेंड तक गया था नेक्स्ट ईयर वो घट के फोर्टी एट थाउजेंड तक जाने लगा एंड और एक स्पॉट राउंड कम भी हो गया जैसे ये एक स्पॉट राउंड टू तक था इसकी स्पॉट राउंड टू और ये स्पॉट राउंड वन में ही खत्म हो गया सो एज द कॉलेज गेट्स ओल्ड स्पॉट राउंड की जो सीट्स हैं वो कम होती रहती हैं सो फॉर अ बेटर एक्यूरेट व्यू हम लोग सेवेंथ राउंड जनरल कैटेगरी देखेंगे एंड इसमें अलग अलग कोटा भी होता है गर्ल्स uh, का अलग कोटा होता है ओबीसी ईडब्ल्यू का अलग कोटा होता है बट दीज रैंक आर एआईआर जनरल रैंक्स सो अगर आपकी थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स सारी आपको ईसी मिल जाएगा अगर आपको सी लेना है तो इस पे ट्रिपल आईटी नागपुर में सीएस आपको थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी नाइन में मिल जाएगा दीज आर सम जिस पे आपको बहुत ज्यादा कॉलेजेस ऑलरेडी नहीं मिल रहे होंगे एंड माई सजेशन इज की इस पे आप हमसे बात कर लीजिए एंड माई सजेशन एक्चुअली इज कि आप सी एस यहाँ पे ले सकते हैं इवन इफ द प्लेसमेंट इज नॉट सो हाई इनफ एज ऑफ नाउ आगे जाके ट्रिपल आईटी नागपुर के प्लेसमेंट्स बढ़ेंगे ही नेक्स्ट वी एल सी इज Uh, ट्रिपल आई टी ट्रिपल आई टी हिमाचल तो ट्रिपल आई टी हिमाचल में अगर हम लोग देखें तो ट्रिपल आई टी हिमाचल में अगर आपको सीएस लेना है तो आपको जो रैंक चाहिए होगी वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर चाहिए होगी अगेन दिस रैंक पे अगेन इट्स प्रॉब्लम क्योंकि आपको एनआईटीज में जो है इस वक्त हो सकता है सीएस मिल जाए कुछ टॉप एन आई टीज में कहीं पे मैकेनिकल मिल जाए मिडिल uh, वाले एनआईटीज में और फिर अगर आपको सी लेना है तो सीएस आपको एन में इसमें नहीं मिलेगा शायद से नॉर्थ ईस्ट के कुछ सीट्स आपको मिल सकते हैं सो अगेन यू हैव टू सी कि क्या आपका बिट्स में हो रहा है इफ यू डोंट वांट टू टेक बिट्स देन व्हाट आर द अदर कॉलेजेस लाइक थापड़ और विच आर अदर कॉलेजेस विच यूल यू हैव अप्लाइड टू और उसके बेसिस पे तो आपको चेक करना पड़ेगा अदरवाइज सी इज द बेस्ट ब्रांच एज ऑफ नाउ आप इसे ले सकते हैं आईटी uh, टी अगर आपको लेना है तो थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सली नियरलीक्ल टू नाइनटी सिक्स पॉइंट एट परसेंटाइल नाइनटी सिक्स पॉइंट एट परसेंटाइल पे आपको ये आईटी मिल जाएगा अगेन इट इज अ गुड चॉइस अगर आप अपना करियर सही से प्लान करते हैं तो विथ फाइव इज ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम सैलरी करंट स्टेटस में जो होती है वो एट्टी थाउजेंड के करीब एक स्टूडेंट की हो सकती है अगर वो सही से प्लान करे चाहे वो कहीं से पढ़ा हो बट उसकी स्किल अगर अच्छी होनी चाहिए तो ट्रिपल आईटी के नाम से आपको फायदा ही होगा अगर सीएस नहीं मिल रहा है कहीं पे भी टॉप कॉलेजेस में अपने गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस में या अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप है उसमें नहीं मिल रहा है देन ई इज नॉर्मली द नेक्स्ट चॉइस तो हिमाचल में अगर आपको ई लेना है तो आप थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन तक ले सकते हैं एंड दैट इज नियरली इक्वल टू अ परसेंटाइल ऑफ नाइंटी सिक्साइल नाइंटी परसेंटाइल तक आपको मिल जाएगा ये जो रेंज होती है रैंक्स की फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड इसमें काफी ज्यादा स्कोप होता है कि आप क्या चूज करेंगे क्या आप ब्रांच में सैक्रिफाइस करेंगे अपने को अपनी ब्रांच सेक्रीफाइस करेंगे या आप कॉलेज की रेपुटेशन या फिर कॉलेज एज गवर्नमेंट प्राइवेट चॉइसेस करेंगे तो इसमें बहुत संभल के आपको लेना चाहिए नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश चित्तूर इसमें अगर आपको ईसी लेना है तो आपको ईसी मिल जाएगा थर्टी थाउजेंड एंड सेवेंटी टू पे दैट इज नियरली आई वुड से नाइनटी सेवन परसेंटाइल की रैंक है नियरली तो 10-12 लोग अगर देंगे तो नियरली ये सेवन परसेंट राउंड में अवेलेबल नहीं था ये जो हैं हैं ये round की है, general category. तो तमिलनाडु we'll में अगर आपको लेना है इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं तो फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो सी का है वो ट्वेंटी 855 पे खत्म हो जाता है दो दिस इज दिस रैंक एक्चुअली इज वेरी हायर देन नाइनटी सेवन परसेंटाइल भी मैंने यहां लिख दिया है बट दिस रैंक इज नियरलीवन पॉइंट नाइनटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंटाइल के करीब करीब ये रैंक है तो अगर आपको ये आ रहा है तो आपको सी एस मिल जाएगा इंटीग्रेटेड फाइव ईयर इंटीग्रेटेड और फाइव ईयर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेडी अगर आपको लेना है दिस यू कैन गेट एट थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन ईसी में अगर कोर प्लेसमेंट्स देखें तो कोर प्लेसमेंट मैक्सिमम अगर मैं जाऊं आईआईटी एनआईटी के बाद तो मैं कहूंगा मैक्सिमम बहुत अच्छा केस हुआ तो फिफ्टी परसेंट कोर होंगे और अगर एक हम एवरेज देखें कि कितने परसेंट बच्चे कोर में जाने वाले हैं तो थर्टी परसेंट बच्चे कोर में जाएंगे सो so, जब आप ईसी ले रहे हैं तो यू शुड बी सम हाउ मेंटली रेडी कि आपको आई में काम करना है और यू शुड बी मेंटली रेडी कि आप एम करेंगे या फिर यू शुड बी मेंटली रेडी कि मैं एम बी ए परस्यू करने वाला हूं प्लानिंग यू हैव टू में फाइव ईयर इंटीग्रेटेड आपको फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी मिल जाएगा सो इफ यू वॉन्ट ट्रिपल आई टी का स्टैम्प ऑन यू तो फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी इज द रैंक दैट यू कैन अचीव फॉर एन इंटीग्रेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर इज विल फिनिश एट थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट सो दिस इज नियरलीक्वल टू नाइंटी सिक्स पॉइंट नाइनटी सेवन परसेंटाइल नाइन सेवन नियरली नाइनटी सेवन परसेंटाइल के करीब करीब रैंक होगी या कह सकते हैं नाइनटी सिक्स पॉइंट नाइन परसेंटाइल के करीब करीब ये रैंक है सो दिस इज वॉट यू हैव टू अचीव नेक्स्ट आता है ट्रिपल आई टी गुवाहाटी ट्रिपल आई टी गुवाहाटी में आपको ईसी मिल सकता है इस ब्रैकेट में एंड दैट इज थर्टी वन थाउजेंडी थ्री हंड्रेड एंड एटीन अगर आप ये रैंक अचीव कर लेते हैं इक्वल टू नाइनटी सिक्स पॉइंट नाइन परसेंटाइल और थोड़ा सा इससे कम ही है नाइनटी सिक्स पॉइंट एट भी आप ले सकते हैं इसमें और या फिर न, इन दोनों के बीच में रेंज करेगा डिपेंडिंग कि कितने बच्चे दे रहे हैं नाइन टू ट्वेल्व लैक्स का रेंज है So, आपको ट्रिपल आई गुवाहाटी मिल सकता है अगर आपको ईसी लेना है नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल आई कोटा में ट्रिपल आई कोटा में भी ईसी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा थर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव रैंक पे दैट इज नियरली इक्वल टू 96.9 सिक्स पॉइंट नाइन परसेंटाइल नाइनटी सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन परसेंटाइल एंड दिस इज सेवेंथ राउंड रैंक्स जनरल कैटेगरी फॉर जनरल कैटेगरी अगर आप कभी भी मेरे चैनल पे या किसी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये रैंक पे भी मिलता है सो तो डू राइट कैटेगरी में है किस कैटेगरी रैंक है और किस राउंड की रैंक है बिकॉज दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स क्योंकि ये तो जोसा की काउंसलिंग में दिया जाता है सो ऑलरेडी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें से ही हम आपको बताते हैं ट्रिपल आई टी जबलपुर में आते हैं वेरी गुड ट्रिपल आई टीज ट्रिपल आई टी जबलपुर में इस रेंज में आपको केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगीउंड एंड रैंक वुड बी थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लेसमेंट्स इसके ठीक ठाक और आई वुड से गुड इनफ गुड प्लेसमेंट्स हैं कोई बुरे प्लेसमेंट्स नहीं है इनकी मैकेनिकल की फैकल्टी भी अच्छी है सो अगर आप वहां जाके पढ़ना चाहते हैं वहां जाके आप अगर एट सी जी पी ए ला रहे हैं एक अच्छा सी जी पी एक रफ बता रहा मैं बहुत कम तो आपका प्लेसमेंट होने के काफी चांसेस हैं ठीक है तो ट्रिपल आई टी बी अ गुड चॉइस इफ यू प्लान वेल इफ यू प्लान वेल बट मैकेनिकल के साथ अगेन थर्टी परसेंट कोर प्लेसमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं ये मैं चांसेस बोल रहा हूं केवल और बाकी जो सेवेंटी परसेंट है दैट वुड गो इन टू आई टी फील्ड सो नाउ लेट एस कम इन टू ट्रिपल आई टी पुणे ट्रिपल आईटी पुणे में आपको ईसी मिलेगा केवल एट ट्वेंटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव दट इज इक्वल टू नाइनटी सेवन परसेंटाइल अगर आपका होगा तो आपको ई मिल जाएगा ईसी बहुत अच्छे से वेल well प्लान आपको चलना पड़ेगा शुरू से अदरवाइज ईसी में आगे जाके यू आर इन फॉर अ सरप्राइज क्योंकि इनकी कंपनीज हैं बट इसमें बहुत स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको टू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट केवल डिग्री बीटेक ईसी से नहीं हो पाएगा ट्रिपल आई टी डिंग जो आंध्र प्रदेश में है इसकी बात करते हैं इसमें ईसी आपको मिल जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन पे एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिलेगी फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ए सो so, इस रैंक पे ऑलरेडी आपको हो सकता है इसपे आपको निरमा मिल रहा हो यूनिवर्सिटी गुजरात में जो है आपको थापड़ मिल रहा हो इस आ, इस रेंज में इसपे और ज्यादा बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे इस रेंज में सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन ई या मैकेनिकल एंड अगर आप इस रेंज में हैं और आपका बिट्स क्लियर हो रहा है या फिर आपका वी आई टी क्लियर हो रहा है या फिर एस आर एम क्लियर हो रहा है एंड मणिपाल भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अगर क्लियर हो रहा है और आपको सी एस मिल रहा है इन सब में से कहीं भी बिट्स में तो खैर इससे पहले भी अगर मिल रहा होगा तो आप ले सकते हैं बट वी आई टी एस आर एम मणिपाल में अगर सी एस मिल रहा हो तो आप एक बार सोच सकते हैं इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ब्रांच फिर आता है ट्रिपल आई टी धारवाड इसमें जो ई मिलेगा आपको वो थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव पे मिलेगा इफ यू आर प्लानिंग फॉर गोइंग फॉर एन एम एस और यू आर प्लानिंग फॉर एन फ्रॉम और इफ यू आर प्लानिंग की आपको रिसर्च में जाना बिकॉज ई सी इज अ वेरी गुड ब्रांच फॉर रिसर्च तो आप जरूर ट्रिपल आई टीज लीजिए क्योंकि आगने वाले टाइम में अगर आपको प्रोफेसरशिप चाहिए तो एक वन डिग्री वन डिग्री अगर आपकी ट्रिपल आईटी, एनआईटी या फिर आईआईटी से होती है दैट इंक्रीजेज योर चांसेस टू बी वर्किंग एज अ प्रॉफ इन दीज इंस्टीट्यूट सो दिस इज ट्रिपल आई टी धारवाड अब ट्रिपल आई टी रांची पे आते हैं इसपे पे ईसी आपको मिल जाएगा तकरीबन तकरीबन थर्टी सेवन थाउजेंड थर्टी सेवन uh, थाउजेंड सेवेंट टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री पे सो दिस इज नाउ कमिंग टू नाइनटी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंटाइल, इस रेंज में बहुत अच्छे और कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे आपको आपको कुछ जी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में सी मिल जाएगा हम इसमें आपको कुछ एन में एन में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा या फिर कुछ एनआईटीज में बायोमेट भी मिल जाएगा सो इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू रिसर्च तो रिसर्च के लिए ई भी बहुत अच्छा है बायोटेक भी बहुत अच्छा है बायोमेडिकल भी बहुत अच्छा है देन यू कैन चूज वन ऑफ देम और ट्रिपल आई में या फिर एनआईटी में इफ यू वॉन्ट टू रियली टेक सी तो आप जी एफ ले सकते हैं या फिर इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू प्राइवेट कॉलेजेस देन यू हैव टू सी मे बी निर्मा इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो आपको इस रैंक में मिलेगा शायद से आपको जे यू आई टी भी कोई ब्रांच मिल जाए यहां पर लेट अस मूव इनटू ट्रिपल आईटी भागलपुर बिहार में भागलपुर ईसी जो आपको मिलेगा वो फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी सेवन में मिलेगा एंड दिस इज नियरली नाइनटी सिक्स परसेंटाइल रैंक पे आपको मिल जाएगा बट दिस डिग्री ट्रिपल आई का जो मार्क है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके अपना चलिए कि एक लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है एंड तब आप ईसी लीजिए एकदम से ऐसे मत सोच के लीजिए कि नहीं मेरे को बी बस की डिग्री मिल गई है ईसी से तो मुझे जॉब चाहिए अगर आप इस सोच से चल रहे हैं सो बी प्रिपेयर दैट हो सकता है आपको आईटी में काम करना पड़े देन डू लर्न लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और पीएचपी और वट एवर लैंग्वेजेस आर विच विल बी इन बिजनेस आफ्टर मे बी फोर ईयर्स उसका थोड़ा रिसर्च करके आप आगे बढ़ सकते हैं सो दिस वॉज ऑल रिव्यू ऑफ All the triple ITs and this is, this is my number. I am writing it here. It is also in the description box below. You can call us if you want free career counseling for 20 minutes. We also do university counseling in which we make best 10 universities as per your profile. And this we charge at rupees 350 because it, we spend nearly two hours for this. And we also do career counseling with personality assessment this we do at 750 rupees and if you want aptitude personality counseling aptitude aptitude with career counseling that we do at 350 rupees for graduates and 250 for school students thank you very much uh, do subscribe to our channel and this is career cool the educational guru Kul.